गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो रेसिपी शेयर करती हूँ, बट उस दिन का तो रेसिपी मैं शेयर करूँगी, बट थोड़ा ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। बेंगली चैनल पर बहुत दिन पहले ही दिया था, तो कोई भी देखा नहीं, व्यूज ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत हिंदी में मेरे रेसिपी चैनल पर ही डालती हूँ रेसिपी के साथ। तो सावन का लास्ट सोमवार था, तो उस दिन मैंने पानी ढाली थी शिवलिंग पर, तो उसकी तैयारी कर रही थी। और उस दिन बहुत स्पेशल डे था, तो स्पेशल डे क्यों और क्या क्या खाना पकाया था मेरी माँ ने, रेसिपी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्किप मत करना, और मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना। तो चलो ब्लॉग देखते हैं।
तो मेरे पूजा विधि कंप्लीट हो गए हैं। तो घर की जो रोज़ का पूजा है वो भी मैंने कर लिए हैं और तुलसी माता को भी पूजा कर लिया है और शिवलिंग भर पूजा हो गए हैं। तो मैं आ गया था किचन पर मामी के साथ थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। तो मेरे माँ बहुत कुछ आज खाना पका रही है, तो अब पनीर झूल बना रही है, पनीर करी। बाद में और भी कुछ बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत देखिएगा। आज बोलेबम का लास्ट सोमवार है, इसीलिए सब निरामिष बना रही है मेरे माँ। और इतना कुछ क्यों बना रही है और स्पेशल क्यों है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो क्या क्या बना है वो सब आप लोग देख लीजिए। मूंग दाल बनाया है, आलू फ्राई किया है और बैंगन फ्राई, पापड़ फ्राई, ये सब भी करेंगे। और दही मिठाई ये सब तो है ही। तो स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैं बताती हूँ। तो मेरे दादा के लिए बहुत दिन पहले लड़की देख कर आए हैं, तो लड़की वालों के माँ बाबा दादी वो लोग आने वाले हैं आज। आज आज माने दिन भी अच्छा है, क्योंकि आज सावन का लास्ट दिन है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, इसीलिए आज आ रही है। तो मैं आ गए हैं तो मैंने सोचा मिठाई चाय ये सब मैं रेडी कर लेती हूँ। माँ के साथ हेल्प कर रही थी, माँ तो खाना बना लिए हैं और मैंने चाय और मिठाई ये सब रेडी करके दिए हैं, माँ और मैं दे दिए हैं सभी लोगों को। तो लड़की के माँ बाबा और एक दादी आए थे, और जो देख रहे हैं साइड में बैठे हुए हैं तो वो मेरे बड़े मौसा है, क्योंकि मेरे बड़े मौसा ये रिश्ते लाए थे, इसीलिए वो लोगों के साथ मेरे बड़े मौसा भी आए हैं और मेरे बड़े मम्मी भी आए हैं। तो सभी लोग एक साथ बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ब्लॉग भी कर लेती हूँ। और मैं जो हमारे किचन पर जो खाना माँ ने पकाया है तो मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ लंच के लिए, क्योंकि लंच के टाइम हो गए थे तो सभी लोग बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि सभी लोगों के लिए मैं ये सब रेडी कर लेती हूँ। तो मैं आ गया था किचन पर, तो आके सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, सभी लोगों को लंच भी दे दिया था। तो सभी लोग खाना हो जाने के बाद मैं दही मिठाई ये सब भी दे दिए हैं। देने के बाद सभी लोग एक साथ बहुत टाइम बातें किए थे, तो एक रिश्ता तो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, बहुत कुछ बातें करना पड़ता है, बहुत कुछ रिवाज होते हैं बहुत लोगों की, और तो कास्ट ये सब तो है ही, ये सब भी बातें हो रही थी। तो जो भी आजकल तो कास्ट ये सब नहीं मानते हैं लोग, तो हम भी नहीं मान रहे हैं, तो हमारे कास्ट की नहीं है, बट बंगाली है तो हम भी बंगाली है, वो भी बंगाली है, बट हमारे कास्ट जनरल कास्ट है, वो लोगों की कास्ट सिविल कास्ट ऐसे कुछ कास्ट है, बट हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत कुछ बातें होती हैं जो दोनों पार्टी में बराबर होना चाहिए बात, तो भी एक रिश्ता होता है, तो वो सभी बातें हो रही थी। तो ये रिश्ता होगा या नहीं अभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, बाद में जब ये रिश्ता होगा कुछ शादी ब्याह की बातें होंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे बंगाली चैनल पर बहुत पहले मैंने ब्लॉग दिया था, आप लोग देख लेना, और लड़की जब देखने जा रही है वो भी ब्लॉग मैंने दिया था, तो प्लीज़ देख लेना। आज का मैं यहाँ पर रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।